हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो देखिए यहाँ का बारिश का नज़ारा, और तीन चार दिन से बारिश ऐसे ही लगी हुई है। कल हल्की हल्की धूप निकली थी, कल बारिश नहीं हुई, लेकिन वैसे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और देखिए मेरे प्लांट्स, और ये मैंने आज मैं अपने गार्डन की ना कुछ छोटी छोटी सी न्यू अपडेट्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जो मेरा ये मैंने शेयर किया था, इसमें मैंने बरग्रेंथस के प्लांट्स लगाए थे, लेकिन ये टूटा हुआ था तो इसकी वजह से मुझे निकालने पड़े। फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें कुछ और लगाती हूँ, क्योंकि जो बरग्रेंथस है उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी, बड़ी सी और बहुत ही ज़्यादा हार्ड सी है, तो इसमें वो जैसे थोड़े टाइम के लिए चलेगा, फिर मुझे निकालना पड़ना था, तो मैंने नहीं इसमें जो है इसको लगा के रखा। तो इसमें मैंने लगभग छह तरह के प्लांट्स लगाए हैं। एक ये इसका भी मुझे नाम नहीं याद, और एक ये सीडम की वैरायटी है, बहुत छोटी छोटी सी, बिल्कुल मॉस रोज की तरह, एचिवेरिया है। ये है कोस्ट प्लांट जो कि अलग सा है, और ये एक और कैक्टस का प्लांट है, एक ये और है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता। तो छह तरह के प्लांट मैंने इसमें लगा दिए हैं, और ये अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, देखिए ये कटिंग ऊपर ही है। तो मैंने जिस दिन लगाई थी, काफ़ी दिन हो गए इसको लगाए हुए, तो शायद ये ऊपर से अच्छे से टूटी नहीं है, तो इसको फिर अभी दिखाना होगा। और देखिए जो मैंने मैमुलस के प्लांट से बोला था, वो मेरे हस्बैंड ने उसी दिन कटिंग मुझे ला के दे दी थी, लेकिन बारिश चल रही है और वैसे भी जो है ध्यान नहीं रहा, तो मैंने इसको ग्रो नहीं किया अभी तक। तो मैंने पानी में रखा हुआ, मैंने सोचा कि रूट्स निकलेंगी, लेकिन अभी तक तो कोई रूट निकली नहीं है। तो बाकी ये पता नहीं अभी मिट्टी में लग के निकलेंगी या नहीं। और ये तीन कलर है, एक वाइट है जो इसके अंदर है, एक ये है और एक ये येलो। और यहाँ पे जो एचिवेरिया है उस पर भी काफ़ी दिन से जो फूल है खिल रहे हैं, और एक ये मेरे पास और कटिंग में लेकर आई थी, तो इसकी मैंने पिंचिंग की थी, बहुत ही छोटा सा प्लांट था 15-20 दिन पहले। तो पिंचिंग करने के बाद देखिए अब कितना घना सा हो रहा है, और इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये है अवर्थिया की वैरायटी, और ये ऊपर को उठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद बाहर निकला हुआ है, काफ़ी दिन पहले मैंने जब देखा तो देखा कि नोटिस किया मैंने जब इसको उठा के देखा कि इसके अंदर से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं। और ये टमाटर का प्लांट है, और इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, एक दुबई वाली, एक जो है बॉलीविन ज्यू, और जो अभी निकली कटिंग वो लगा दी। और ये है बरग्रेंथस जो मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया था, शिफ्ट करते इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। और ये जो लेडीज पर्स है, इस पर बहुत सारे सीड्स जो हैं बने हुए हैं, नीचे से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये जो मेरे कोलियस है सब मैंने नीचे रख लिए हैं, और बारिश की वजह से इस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, वैसे भी टेम्परेचर बढ़ने से अच्छी ग्रोथ हो गई थी। और ये दिखी धनिया जो मैंने गमले में ग्रो किया था, इसमें मैंने दो बार तीन बार इसमें से मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे और प्लांट्स हैं, और ये देखिए अवर्थिया की जो फ्लावरिंग है कितनी अच्छी अभी तक भी बनी हुई है, लेकिन अभी कल परसों मैंने देखा इसमें से फूल जो है निकलने स्टार्ट हो गए गिरने। और ये एक सीड्स मैंने ग्रो किए थे, अभी मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के हैं, फूलों के हैं या कैसे हैं। तो लास्ट सीजन में मेरे पास थे एक, शायद से वही है या पता नहीं, अभी मुझे श्योर नहीं हूँ, या घास है। और ये देखिए जो ग्लैडुलस के मैंने बल्ब लगाए थे, वीडियो शेयर की थी, अभी इसमें भी जो ग्रोथ है स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी दिन पहले से। और अभी इनको भी किसी पॉट में जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास ऊपर काफ़ी मिट्टी वाली टंकी भर गई है, उसमें मैं इनको लगा दूँगी। एक छोटे से जो मेरा सिरामिक का जार था, उसके ढक्कन में मैंने ये देखिए प्लांट शेयर भी किया था। और ये एचिवेरिया के दो कटिंग्स जो लेकर आई थी मैंने, वो भी शायद चढ़ पड़े हैं। और ये जो साग है सरसों का, इसको भी मैंने शेयर किया था, तो देखिए इस पर फूल भी आने शुरू हो गए, लेकिन साग बहुत छोटा छोटा सा है, क्योंकि जो इसका प्रॉपर सीज़न होता है वो नहीं है। और साथ में देखिए प्याज की जो मैंने खेती बोला था, वो भी काफ़ी इसमें से मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और एक ये जो टिन से मैंने प्लास्टिक की बोतल में मैंने कुछ प्लांट्स जो ग्रो किए थे, वो भी तो इसमें मैंने तीन चार प्लांट्स जो है लगाए थे, और अभी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो अपना पर्ल्स होता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी चल रही है, और बाकी सब तो ठीक ठाक हैं।
आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।